व्हाट्सअप दोस्तों, कार्सिनोजेनिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजन शर्मा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपको सेकंड हैंड फॉक्सवैगन वेंटो या फिर स्कोडा रैपिड खरीदनी चाहिए या फिर आपको कुछ और ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर हम गाड़ी के लुक्स की बात करें तो डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना ज़रूर हो गया है, लेकिन आज भी ये एक टाइमलेस डिज़ाइन टेम्पलेट है। बड़ी स्लीक एंड सिंपल सी लाइन्स हैं। अब देख सकते हैं ये 2017 मॉडल है। इसमें हेडलैम्प्स को स्मोकी इफेक्ट दिया हुआ है, ग्रिल पे भी थोड़े से ब्लैक इफेक्ट्स दिए हुए हैं। ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन नहीं है, बट स्टिल इट्स क्वाइट प्लीजिंग टू द आईज एंड एक सॉलिड एंड अंडरस्केटेड फील आती है इस कार की लुक से। साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो यहाँ भी आपको ह्यूंडई वरना या होंडा सिटी की तरह कोई शार्प कट्स एंड क्रीजेज नहीं मिलेंगे। एक सिंपल सी शोल्डर लाइन डिफाइन करी हुई है एंड नीचे एक क्रीज लाइन दी हुई है। सिंपल लाइंस है, काफ़ी एलिगेंट लुक है गाड़ी की। इट्स नॉट वेरी शोई बट स्टिल यहाँ पे भी जो अंडरस्केटेड थीम है, इट्स टिपिकल टू फॉक्सवैगन ग्रुप कार्स, वो यहाँ पे आपको ज़रूर कंटिन्यू होती दिखेगी। गाड़ी के रेयर एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम सिंपल डिज़ाइन टेम्पलेट है, नथिंग टू टॉक अबाउट। बट यहाँ से ये गाड़ी स्पेशली काफ़ी ओल्ड लगती है। यहाँ से आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 8 साल पुराना डिज़ाइन टेम्पलेट है एंड इट्स क्वाइट सिंपल एट द रेयर एंड। अगर हम गाड़ी की रेयर सीट्स की बात करें तो रेयर सीट्स इट्सेल्फ काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। लेग रूम ज़रूर थोड़ा सा कम है कंपटीशन के मुकाबले, कंपटीशन लाइक मारुति सियाज एंड होंडा सिटी, बट वरना एंड टोयोटा यारिस से काफ़ी बेटर लेग रूम है इस गाड़ी में। हेडरूम की ज़रूर थोड़ी सी समस्या आ सकती है आपको अगर आपकी हाइट 6 फुट से अबव है, बट इट्स स्टिल नॉट एज टाइट एज दी ह्यूंडई वरना और टोयोटा यारिस। रेयर डोर्स में आपको डोर पॉकेट्स मिले हुए हैं लेकिन बॉटल होल्डर्स नहीं है। इसमें आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो द कार इज़ नॉट द बेस्ट और द मोस्ट स्पेशियस एट द रेयर, बट स्टिल इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू बी इन। फीचर्स की अगर बात करी जाए तो मैं फीचर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है एंड फीचर्स से मोर और लेस सभी अवेयर हैं। बेसिकली इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, ड्यूअल एयरबैग्स हैं, ABS है, स्टेयरिंग एडजस्ट है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है एंड जो टॉप एंड वर्जन है उसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स एंड ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आजकल के ज़माने में काफ़ी कॉमन फीचर्स हैं। तो एक्सटीरियर्स की तरह ही इंटीरियर्स का डिज़ाइन टेम्पलेट भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर लाइंस हैं। बट एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है आपको अगर आप इस गाड़ी को सेकेंड हैंड या न्यू लेना चाह रहे हैं तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स नहीं है लेकिन फिर भी जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो काफ़ी सॉलिड एंड मजबूत हैं। जितने भी स्विचेस हैं वो एक डैम्प फील के साथ ऑपरेट होते हैं। नॉब्स की फिनिश काफ़ी अच्छी है, ऑपरेट करने में वो काफ़ी सॉलिड फील होते हैं, दे फील बिल्ट टू लास्ट। अगर हम डोर पैड्स की भी बात करें तो वो भी अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी सॉलिड फील होते हैं एंड प्रेस भी काफ़ी मुश्किल से होते हैं। तो इट शोज़ कि फॉक्सवैगन की ये गाड़ी है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, जर्मन बिल्ड क्वालिटी है। पैनल गैप्स एकदम बराबर हैं सारे, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, AC वेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड टू लास्ट फील के साथ ऑपरेट होते हैं। फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जो काफ़ी स्पोर्टी फील होता है। जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो काफ़ी सिंपल है आजकल के मुकाबले, जैसे अगर आप होंडा सिटी या ह्यूंडई वरना में देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देखने में ज़्यादा अपीलिंग नहीं है बट स्किल काफ़ी क्लियर है, बड़े बड़े डायल्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। स्टोरेज स्पेसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड उसके आगे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है। एक आपको डोर पॉकेट मिल जाती है जिसमें एक बॉटल होल्डर है 1 लीटर बॉटल्स होल्ड करने के लिए। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा एंड वेल शेप्ड है, कूल ग्लव बॉक्स मिलता है इसमें आपको अगर आप हाई एंड वेरियंट्स लेते हैं। इसमें आपको फ्रंट आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है एंड इसमें भी आपको एक स्टोरेज स्पेस दी हुई है जिसमें आप अपने कुछ टोल टिकट्स एंड ऑल स्टोर कर सकते हैं। अब गाड़ी की अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.6 लीटर 1600 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। इट मेक्स 103 BHP एंड 153 Nm ऑफ टॉर्क। कंपटीशन के हिसाब से ये फिगर्स थोड़ी कम है। इसका जो इंजन है वो मैं बता दूं कि MPI इंजन है, मल्टी पॉइंट इंजेक्शन इंजन है एंड थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी ज़रूर है। सो लेट्स सी हाउ इट ड्राइव्स। अब इंजन देखिए थोड़ा सा नॉइजी ज़रूर है, 3 ईयर्स पुरानी कार है एंड इट्स नॉट द मोस्ट साइलेंट ऑफ द इंजन्स, बट इंजन फेयरली ट्रैक्टेबल है, बट ह्यूंडई वरना एंड मारुति सियाज के इंजन ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। मिड रेंज इस इंजन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है,
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिड रेंज है, एक अच्छा सा पंच मिलता है। टॉप एंड थोड़ा सा वीक ज़रूर है, देर इज़ नॉट मच एट द टॉप एंड बियॉन्ड 5000 RPM, जो कि मॉडर्न इंजन्स अगर आप देखें जैसे होंडा सिटी एंड ऑल, उनके मुकाबले थोड़ा कम ज़रूर है, बट स्टिल मिड रेंज मेक्स अप फॉर द लैक ऑफ एक्सीलेंट बॉटम एंड एंड वीक टॉप एंड। हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है, स्टीयरिंग फीडबैक इज़ नॉट द बेस्ट बट स्टिल काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग है। स्लाइटली हैवी ज़रूर है पार्किंग स्पीड्स पे या नॉर्मल सिटी स्पीड्स पे, बट इट वेज अप डिसेंटली एंड हाईवे पे जो फीडबैक है इसका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसकी ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स काफ़ी शार्प हैं, अच्छी ब्रेक्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट में यही मानता हूँ। एंड जो गेयर बॉक्स है इट्स स्मूथ, वेल डिफाइंड गेट्स हैं गेयर बॉक्स के, एंड देर इज नो रबरी और नोची फील इन द गेयर बॉक्स। क्लच एक्शन भी काफ़ी लाइट है एंड हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है। आई मीन इवन आप अगर 90-100 की स्पीड्स पे एक स्लिप रोड से जा रहे हैं तो ये कार काफ़ी प्लांटेड फील होती है, सेंस ऑफ स्पीड बहुत ही कम है इस गाड़ी में, क्योंकि जो राइड है एंड सस्पेंशन काफ़ी वेल एडजस्टेड एंड चेसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैलेंस्ड है, तो जो ड्राइविंग प्लेजर है वो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा बेटर हो सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ फेयरली इंजॉयबल कार टू ड्राइव। बात करते हैं कि क्या ये एक अच्छी सेकेंड हैंड बाय बन सकती है। अब देखिए इसके अपने फ़ायदे भी अपने नुकसान भी हैं। फ़ायदों की अगर हम बात करें तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, द बेस्ट इन इट सेगमेंट, अगर आप रैपिड को भी कंसिडर कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी वेंटो की है। राइड एंड हैंडलिंग वेंटो की बहुत बढ़िया है, राइड कम्फर्ट इज़ एब्सोल्यूटली फिनोमिनल, अगर आप यारिस को छोड़ दें तो उस सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राइड है, झटके आपको बिल्कुल नहीं फील होते, जितनी भी अंडुलेशन है रोड पर वो सारी ये काफ़ी अच्छी तरह फिल्टर आउट कर देती है। जो तीसरी इसमें अच्छी चीज़ है वो ये है कि हैंडलिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, इट हैंडल्स लाइक अ प्रॉपर जर्मन कार, काफ़ी मैच्योर हैंडलिंग है, अमंग्स द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। एंड अगर अब नुकसान की बात करें तो वो यही है कि प्राइसिंग एंड जिस हिसाब से आपको फीचर्स मिल रहे हैं, मतलब डिस्काउंट्स वॉक्सवैगन फ़िलहाल काफ़ी दे देता है इन पे, पर अगर आप जनरली प्राइसिंग को देखें एंड जिस हिसाब से आपको फ़ीचर्स मिल रहे हैं इस गाड़ी में, टेक्नोलॉजी मिल रही है, उस मामले में गाड़ी थोड़ी सी पीछे है। जो सेकंड नुकसान है इस गाड़ी का वो है कि इंजन थोड़ा सा लास्ट जेन फील होता है कंपेयर टू द होंडा सिटी एंड द ह्यूंडई वर्नास पेट्रोल इंजन। जो तीसरा नुकसान है इस गाड़ी का वो ये है कि जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड जो फीचर काउंट है इस गाड़ी का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स नहीं है, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स होगी, पावर सीट एडजस्ट हो गया एंड कुछ कॉस्मेटिक फीचर्स हो गए जैसे LED स्क्रिप्स, हालांकि वो LED लैंप्स जो है वो 2019 का जो अपडेट है उसमें ज़रूर मिल जाते हैं, बट जो बाकी कन्वीनियंस वाले लग्जरियस फीचर्स जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं उन फीचर्स से ये गाड़ी डिवॉइड है। अब एक अच्छी बाइक क्यों है, देखिए फॉक्सवैगन की गाड़ी है, इनकी डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उस वजह से क्या है कि सेकेंड हैंड यूज़ मार्केट में अगर आप देखें तो कंपेयर टू इट्स कंपटीशन ये गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, एंड क्वालिटी के लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, सॉलिड है, तो उस वजह से अगर आप जनरल वेयर एंड टेयर कंसिडर कर रहे हैं सेकेंड हैंड गाड़ी में तो वहाँ आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि गाड़ी सॉलिडली बिल्ट है। तो सेकंड हैंड यूज़ एग्जांपल भी अगर आप देख रहे हैं तो इट विल बी इन अ जेन्युइनली गुड शेप। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक सेकंड हैंड वेंटो ले रहे हैं। अब देखिए जो पेट्रोल इंजन हैं वो फेयरली रिलायबल निकलते हैं, पेट्रोल इंजन को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है एंड गेयर बॉक्स कॉम्बिनेशन भी काफ़ी इसका रिलायबल निकल जाता है, तो पेट्रोल इंजन में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप डीजल वेरियंट देख रहे हैं वेंटो का तो उसमें एक दिक्कत जो बहुत ही कॉमन है VW ग्रुप के 2 लीटर से नीचे वाले इंजन में, यानी 2000 cc से जो नीचे वाले डीजल इंजन है VW के, उसमें एक दिक्कत रहती है कि जो डीजल इंजन का EGR वॉल्व है वो बहुत जल्दी वॉर्न आउट हो जाता है एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तकरीबन 45-50,000 के आसपास उसकी प्राइस पड़ती है एक्सक्लूडिंग लेबर। एंड जनरली अगर हम इस गाड़ी को देखें इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल वर्जन्स, तो सस्पेंशन
थोड़ी जल्दी वेयर आउट हो जाती है, एंड जो ब्रेक पैड्स है उनकी ज़्यादा दिक्कत है इस गाड़ी में, वो काफ़ी जल्दी वेयर आउट हो जाती है। ये काफ़ी कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया है फॉक्सवैगन को। इनफैक्ट यही दिक्कत आपको रैपिड में भी सेम मिलती है, पर रैपिड में एक चीज़ है कि उसकी जो ओवरऑल बिल्ड है वो इस गाड़ी से हल्की है, अदरवाइज़ इट्स मोर और लेस द सेम थिंग, जो वेंटो है वही रैपिड है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो जब आप एक सेकेंड हैंड वेंटो ले रहे हैं तो आपने चेक क्या क्या चीज़ें करनी है। जो एग्जॉस्ट है वहाँ से कोई ब्लैक या वाइट कलर की अनड्यू स्मोक ना आ रही हो, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करें या फिर गाड़ी को थोड़ी सी रेस दें उसमें से कोई अनड्यू ब्लैक एंड वाइट स्मोक नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप कुछ कच्चे रास्ते से या थोड़ी सी ब्रोकन सरफेस से गाड़ी को लेके जा रहे हैं, कुछ अनवांटेड नॉइज़ ना आए सस्पेंशन में से, कोई स्क्वीक ना सुनाई दे, क्योंकि जो सस्पेंशन वेयर आउट है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो बट वो पार्ट रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा चीप पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ दी VW ग्रुप। एंड जो तीसरी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ब्रेक्स प्रॉपरली लग रही हैं। ब्रेक पैड्स का वेयर एंड टेयर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इस गाड़ी में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ब्रेक्स आपने अच्छी तरह थॉरली चेक करनी है, अदरवाइज़ गाड़ी काफ़ी सॉलिड है, बहुत अच्छा यूज्ड बाय बन सकता है। एंड अगर आप न्यू भी ले रहे हैं तो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी, राइड कम्फर्ट एंड हैंडलिंग, ये तीन चीज़ें हैं जिन वजह से आप रैपिड या फिर ये फॉक्सवैगन वेंटो इसके कंपटीशन को छोड़ के ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड आपके काम आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी।